The Ahmedabad ISKCON Temple is celebrating the Janmashtami festival in a grand manner with regular inflow of faithful and kirtanon in the name of Lord Krishna. Darshan or paying of respect to the Lord will be on for the next 24 hours, informed the chief priest of ISKCON. जन्माष्टमी को लेकर अगर आप देखोगे तो सुबह 4:30 बजे से यहाँ मंगला आरती हुई, जिसमें करीबन 4 से 5 हज़ार लोग उपस्थित थे। पूरा प्रांगण भरा हुआ था। हमने यहाँ पे भगवान को 56 भोग लगाया है, फुल बंगला बनाया है और 24 घंटे कीर्तन खुले रहे, मतलब दर्शन खुले रहेंगे। अखंड कीर्तन चल रहा है मंदिर के प्रांगण के अंदर। शाम को यहाँ पे हम 6 बजे स्टेज शो चालू करेंगे, जिसमें भगवान के कथाओं के विषय में सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। भगवान के भगवद गीता में से वहाँ पे आधे घंटे का उपदेश भी दिया जाएगा, जो हमारे प्रमुख हैं ISKCON गुजरात के जसोमती नंदन प्रभु के द्वारा। और रात को 12 बजे ठीक आप देखोगे बड़ा ही डिटेल में भगवान का अभिषेक किया जाएगा। 1 घंटा वो अभिषेक चलेगा। सो और उस समय इस प्रांगण में कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग होंगे, पैर रखने की जगह नहीं होगी। वी आर ऑल पैक, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के दिन 2 से 2.5 लाख लोग आज के दिन यहाँ पे अटेंड करेंगे जन्माष्टमी। और बड़े ही सुंदर तरीके से लोग आज इस महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे जैसे पुलिस का हमें फुल सहयोग है, लोकल पुलिस का, और हमारे वॉलंटियर्स भी यहाँ तैनात हैं हर जगह के ऊपर। हमने CCTV कैमरा लगा रखे हैं और पुलिस के और वॉलंटियर्स के सहयोग के द्वारा ये सुरक्षा अच्छी तरह से मैनेज की जा रही है। पावर्ड बाय NNIS।